मैंने आपसे जिक्र किया था इंटरवल के पहले कि हम बच्चों का नाटक देखेंगे, बच्चों का नाटक तैयार है। ये अक्षरा हाई स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने विशेष करके ये नाटक तैयार किया है बेगम कुसिया जैदी जी का। लेकिन उससे पहले कहानी कुसिया जैदी जी की थोड़ी सी और मैं आपको सुनाता चलूं। मैंने आपसे तस्करा किया था कि बेगम कुसिया जैदी जी कर्नल बशीर हसन जैदी से शादी करके रामपुर चली आई थी, जो रामपुर के दीवान हुआ करते थे, और रामपुर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, जिसने भारत का संविधान बनाया था उस असेंबली में भी। थोड़े दिनों बाद इसी सब सिलसिले में उन लोगों को दिल्ली आना पड़ा 40s में, और दिल्ली आके एक तरफ जहां वो पूरे जोश और जुनून से थिएटर के काम में जुटी, वहीं बहुत सी दूसरी तरह की सामाजिक जिम्मेदारियां भी उन्होंने निभाई। शी वॉज अ मेंबर ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शंकर्स वीकली के आर्ट और राइटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में वो काम करती थी, लिखती थी। शंकर्स वीकली आप सबने जरूर देखे होंगे, वो जो उनके फेमस कार्टून्स होते हैं, और नई नई बन रही जामिया मिलिया इस्लामिया में लोगों को जुटाना जमाना समझाना काम में लगाने का काम भी वो कर रही है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थिएटर तो बना ही रहे। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि तमाम लोग, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो बीज उन्होंने बोए थे वो भारतीय रंगमंच और कला के क्षेत्र में बड़ा नाम बने, वो चाहे हबीब तनवीर हो, यूनुस परवेज जिनका जिक्र अभी हो रहा था, चाहे इरशाद पंचतंत्र हो जो दुनिया के बहुत अच्छे माइम एक्टर्स में से माने जाते हैं, जो आज जर्मनी में रहते हैं, वो हिंदुस्तान आए हुए इस वक्त आना चाहते थे किसी वजह से पहुंच नहीं पाए, या श्याम अरोरा साहब हो, या शिव शर्मा हो जो बाद में दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल हुए, या सतीश सहगल साहब हो, जैन साहब हो, एमएस सत्यू साहब हो, और तमाम नाम। पर मेरी नज़रों में बच्चों के लिए जो उन्होंने साहित्य रचा, शायद वो उनके सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन में से एक था। 17 से ज़्यादा रचनाएँ उनकी बच्चों के लिए प्रकाशित हुई हैं, फिर चाहे कहानियाँ हों, जीवनियाँ हों, नाटक हों, फैंटसीज हो। मैंने गांधी जी की जीवनी जो उन्होंने लिखी थी, गांधी बाबा की कहानी, उसका तो जिक्र किया ही था। जंगल में शेर और बन के बासी जैसे जंगल के पशु पक्षी जगत पे उन्होंने जो नाटक लिखे हैं, गुलाबो चुहिया और परिजात जैसी एक फैंटसी, जो कि बाय द वे 1 जनवरी को पृथ्वी में जिसके शोज भी हैं 3-3, वो भी हो सके तो देखिएगा। ऐसी ही चीज़ों में से एक हम आज देखने जा रहे हैं, जो अक्षरा स्कूल के बच्चे आपके सामने पेश कर रहे हैं, ला मेरा चने का दाना। दिस ऑल्सो हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले रिटन बाय बेगम कुसिया जैदी साहब, एंड वन ऑफ आवर ओरिजिनल प्लेस दैट यू विल सी हियर, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रांसलेशन, जो अभी तक आपने देखे थे। और शैली सत्यू और उनकी पूरी टीम ने इसे तैयार किया, जिसमें दो आपके सामने यहाँ नजर आ रहे हैं, प्रसाद और श्रेयंस। और बाय द वे शैली सत्यू बेगम कुसिया जैदी की नवासी भी हैं। लेकिन उससे पहले अब बाकी इस नाटक के बारे में आपको बताएंगे जश। ओवर टू जश। होती तो बात ही क्या थी, मैं भी खाता और तुम्हें भी ले जा,
क्यों भूख लगी है क्या? बहुत जोर से भूख के मारे तो दम घुटता जा रहा है। अपना भी यही हाल है, 3 दिन से एक दाना तक मुंह में नहीं गया। वाह यार खूब जोड़ी मिली, तो जल्दी से कोई तरकीब सोचो। तरकीब क्या करे, चलो चल कर रोटी तलाश करे। यहाँ बैठे बैठे हमें कौन दे देगा खाने को, हाथ पैर चलाओ रोटी खाओ। एक बात बताओ, अगर हम तुम दोस्त बन जाए तो कैसा रहेगा? मेरे विचार में बुरा नहीं रहेगा। तो चलो दोस्ती करें। क्या करूं, दोस्ती कर लूं? दोस्ती दोस्ती पक्की दोस्त, दोस्ती दोस्ती पक्की दोस्त। तुम भी दुखो चली।
Thank you.
पहेली या अनमिल। यह अनमिल क्या होती है? ऐसी अनमिल जो कई टुकी होती है। ऐसी कविता तो बताओ कौन सा अनमिल सुना है? वो अनमिल सुना जो उन्होंने पनिहारनों के लिए कही थी। तो सुनो, खीर पकाई जतन से चखा दिया जरा, आया कुत्ता खा गया, तू बैठे ढोल बजा। क्यों? ठीक रहा। अरे ये तो सचमुच में दूसरों का बंदर निकला। अब उसकी कोई पहेलियां भी सुनाओ। तुम सब बैठ जाओ, सबको पहेली सुनना है और अपने कल से एक तरफ रख दो। और आओ मैं तुम्हारा रस्सी और ढोल एक तरफ ध्यान से रख दूं। तो सुनो पहेली, मेरे पास एक आंख है पर मैं देख नहीं सकती। ये तो अपनी खुशियों की पहेली नहीं है। हम ना देंगे जवाब। क्यों? पहेली बुझना आता नहीं। जवाब है सुई। वाह हो। जा बुझो। एक तरफ है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई ना, बूझन लागा आई ना। ये है अमित खुसरो की पहेली। क्या कोई पहनने की चीज है? हमने पूछ ली। तो बताओ। जवाब है आईना, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। चलो चलें। बस एक और, फिर हम चले और पानी भरे। या बुझो तो जाके, बीसों का सर काट दिया, ना मारा ना खून किया। बताओ क्या है? तुम ही बताओ। हमारे समझ में तो आए है। क्यों हार गई? अच्छा तो मुझे दो हाथ दो और दो पैर। हम हाथ और पैरों के क्या काटते हैं? नाखून। पांच दस पंद्रह बीस। चलो अब हम चले और पानी भरे। हाय मेरा टोल कौन ले गया? तुई रस्सा भी गायब है। Yeah!
तुम्हारी मम्मा को क्या जवाब दूंगी? Yeah.
तो मित्रों देखा आपने कितनी सिंपल राइटिंग बच्चों के लिए, फिर भी कितना कितनी बड़ी शिक्षा की कैसे आप, जरूरी नहीं कि आप शेरी हो तभी आप शेर से जीत सकते हैं, आप शेर भी नहीं कैसे सवा शेर हो सकते हैं। चलिए मैं चाहता हूँ सब बच्चों को स्टेज पर बुला लें और इस नाटक के डायरेक्टर अमित भार्गव और शैल सत्यू मैं चाहता हूँ उनके सामने आ गए। और इससे ज्यादा बच्चों का शुक्रिया क्योंकि अपनी छुट्टियों का समय निकालकर उन्होंने ये नाटक यहाँ पर आपके सामने पेश किया। अभी उनकी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं। वैसे तो मैं सबका नाम ठीक से नहीं जानती तो मैं पेरिस से पढ़कर बताऊंगी। देवश्री कृतिका, आगे आगे आपके नाम जैसे नाम आपका है, देवश्री कृतिका राशि कृष क्रुष चिरायु जश आदित्य पाकुंडे तीन तीन आदित्य हैं, आदित्य त्रिपाठी मल्हार जिशान स्वर नील विभूति स्तुति ध्वनि प्रज्ञा आदित्य मिस्त्री कृष्णा शुभ विशाल वेदांत त्रुषम और कश्यप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बड़े बच्चे थे तीनों मेरे साथ काम करते हैं इसलिए इतनी बदमाशी करते हैं। दोस्तों ये तो था एक बच्चों के का नाटक बेगम गुस्से आजादी का लिखा हुआ।